हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर मम्मी मटर छील रही निमोना के लिए, है ना मम्मी? निमोना बनाएंगे सर्दी में। निमोना फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है सर्दियों में निमोना आपको। बहुत मजेदार लगता है सर्दियों निमोना, हरी मटर का निमोना बहुत अच्छा लगता है। पड़ गया है बहुत ज्यादा, आज तो बहुत ठंड है ना रे। हाँ, तो दिसंबर भी लग गया ना। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है भाई, आप लोग भी बचे रहिएगा ठंड से। आप लोग ठंड से हमेशा बचना और हमारा वीडियो देखते रहना, सपोर्ट करना। फ्रेंड्स, ऐसे हम डेली ब्लॉग डालते रहते हैं, प्रैंक वीडियो डालते रहते हैं। फ्रेंड्स, उसको बनाने में एडिट करने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में वो भी बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा ब्लॉग पूरा जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत लगता है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। जो देखिए, अब नया आलू तो गिर गया मार्केट में, अभी तो मेरे घर से तीसरी बार है ना आए हुए। हाँ, दूसरी तीसरी बार है। तो अब इसको जो है कल ना अब बनाएंगे आलू दम, क्योंकि नया आलू का आलू दम बहुत अच्छा होता है। कल मैं बनाऊंगी नया आलू, मिट्टी मिट्टी सा होता है। मिट्टी तो होता है, अच्छा भी तो लगता है, पुराना आलू में स्वाद नहीं रहता है। अब कल इसका आलू दम बनाऊंगी भाई। इस समय टमाटर बहुत महंगा है, टमाटर तो 60-70 रुपया किलो है। टमाटर तो हमेशा ही महंगा रहता है। नहीं नहीं, इस बार सर्दियों में महंगा है, टमाटर और प्याज दो चीज तो महंगा है इस बार। नहीं तो ठंडी में तो टमाटर 20 रुपया किलो पर। ऐसे धनिया लाए हैं, आधा पीला आधा सड़ा आधा घास इसमें। हाँ, सही नहीं है। जो ना नीचे से रहता है ना, ये धनिया सही रहता है। इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मम्मी अभी इतनी देर तक काटी छाटी रही हैं, तो आज 10 बजे रात तक तो बन ही जाएगा। हाँ, कहोगे क्यों नहीं, सारा मटर भी छील लिए, आलू भी काट लिए, गोभी भी काट लिए, अब धनिया को साफ कर रहे। इतना गंदा धनिया लाए हैं, छोटा छोटा बिल्कुल, जो इसका पेड़ सही होता है, सोर सही होता है, धनिया सही होता है, एक कटा हुआ धनिया लाते हैं बिल्कुल। नानी घाट का सब्जी मुझे ढेर दिन हो गया खाए। नानी घाट का मुझे 4 साल हो गया नानी के यहाँ गए। मैं कितनी मिट्टी देखो, काला काला दिखने हो गया। नया आलू है ना, नया आलू तो ऐसे ही मिट्टी पहले इसको नया आलू। मम्मी ये देखो, तुम ऐसे ही साफ नहीं छील लिए हो। साफ नहीं है, देख रहे हैं ना गाइस, इतना मेहनत से ऊपर हटाना, हटा दिया। कितना हटा है देख, सब कुछ निकाली हूँ इसमें। इतना साफ आलू छीले हैं, कोई मिट्टी है दिखा। फ्रेंड्स, आप ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा। आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत उम्मीद से ब्लॉग बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगता है। A few moments later. फ्रेंड्स, मम्मी अब चॉप में स्टार्ट करती हैं। ये सारा छीटा छीटा आ जाता है मम्मी। सर्दी में इतना मटर डालना जरूरी है, नहीं अच्छा लगता है तुमको? हाँ, मटर तो सबको अच्छा लगता है, बस तुम ही ऐसे हो ये कि तुमको मटर नहीं अच्छा लगता है। तो मटर नहीं अच्छा लगता है, मटर नहीं खाते हैं। फ्रेंड्स, मटर कड़ा, वो खड़ा खड़ा बिल्कुल कड़ा कड़ा होता है। अभी कड़ा कहाँ है, कड़ा तो होता है मार्च आठ में, होली के लगभग मटर कड़ा होता है। अभी तो मटर गिर रहा, अभी तो मटर। फ्रेंड्स देखिए, मम्मी मसाला डालने जा रही हैं। इन धनिया तो साथ बाद में डलता है ना, हम ऐसे साथ में डाल देते हैं ना, इसको जब भून उसका तो अच्छा लगने लगता है। वैसे
ये नमक, वैसे तो मम्मी बहुत लोग तो बहुत कम नमक खाना पसंद करते हैं ना, बहुत कम क्या चीज़? नमक, नमक सब्जी दाल अल में। क्यों नमक तो सब खाते हैं? अरे मतलब खाते हैं तो बहुत कम खाते हैं कोई कोई। हाँ कोई कोई कम खाते हैं, तो मीडियम और नमक तो सबको पसंद है। फ्रेंड्स देखने में सब्जी कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स कहाँ कहाँ से ब्लॉग देखने होगी कमेंट्स बताइएगा कि हम लोगों को ब्लॉग कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय। फ्रेंड्स हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा।